आज की ये प्रेस मीट बसव कल्याण मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से बुलाई गई है, क्योंकि गालिबन आज पंचायती इलेक्शन का दूसरा चरण चल रहा है जिसका रिज़ल्ट 30 तारीख को आना है। इसके जस्ट बाद बसव कल्याण के अंदर बी नारायण राव साहब का जो देहांत हुआ था उस सिलसिले में एक बाई इलेक्शन होने की बहुत संभावना है, जिसका ऐलान गालिबन इस पहले हफ्ते में जनवरी के हो जाएगा या जो है लास्ट जनवरी के वीक में जो है इलेक्शन भी कंडक्ट होने के चांसेस हैं। ऐसा इस सिलसिले में बसव कल्याण मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बसव कल्याण, हमारे यहाँ जितने भी सियासी पार्टियाँ हैं जो अपने कैंडिडेट इस इलेक्शन में उतारने जा रहे हैं, उससे एक निवेदन करती हैं, उनसे ये एक डिमांड करती है कि वो मुस्लिम कैंडिडेट को उतारें। बसव कल्याण एक बहुत मुकद्दस और पवित्र भूमि है। यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ में महात्मा बसवेश्वर ने बहुत सारा काम किया है, जिसमें जात पात ऊंच नीच धर्म अधर्म के ख़िलाफ़ आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। यहाँ हम देखते आ रहे हैं कि चाहे वो एमएलए इलेक्शन हो या एमपी इलेक्शन हो या जेडपी इलेक्शन हो कि जो है टीपी इलेक्शन हो कि पंचायत इलेक्शन हो, यहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदगी बहुत कम नज़र आती है। इसमें इन पार्टियों का भी दोष है और हम लोगों का भी दोष है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र में हमारा 23% वोट बैलेंस है जो काउंटेबल हैं हम लोग। नॉन काउंटेबल लोग, अनकाउंटेबल लोग जो है आगे बढ़कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, पॉलिटिकल जो राइट्स हैं उसको हासिल करने की कोशिश होती है, मगर अफसोस इस बात का है कि मुसलमान कभी भी इस दावेदारी को पेश नहीं करते। जब दावेदारी भी पेश करते हैं तो बिल्कुल कमज़ोर सी होती है या जिसमें कोई दम नहीं होता। हम कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से, इवन दो बीजेपी से भी हमारा ये दावा, हमारा ये है मुतालिबा है कि वो हमें जो है टिकट दें, फिर टिकट दे करके हमें देखें, हमारे कैंडिडेट को भी बसव कल्याण क्षेत्र से उतारें। जेडीएस सेकुलर पार्टी होने के नाते भी आज तक किसी मुसलमान को जो है यहाँ से नहीं उतारा गया है। आए दिन हम देख रहे हैं कि जेडीएस सेकुलर पार्टी बीजेपी से ज्वाइन हो रही है, बीजेपी से उसका अलायंस होने जा रहा है, ये आए दिन पेपरों में आ रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है, प्रेस मीट में आ रहा है। इसके बावजूद भी अगर हम लोग हमारी पॉलिटिकल राइट्स के लिए नहीं उठते हैं या दावा नहीं करते हैं, तो मैंने समझता कि जो है यहाँ मुसलमान कम्युनिटी कोई बड़ा काम करेगी। हमें ये चाहिए कि हम पॉलिटिकली ज़िंदा होनी चाहिए, छोटे पी से लेकर के बड़े पी तक। मैं इस बात का दावेदार हूँ, 20 साल से इस बात की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मुसलमान आगे बढ़ें। मुसलमान ये ना देखें कि मुझे वोट मिलता है या नहीं मिलता है, दूसरे जातें वोट देते हैं या नहीं देते हैं, मैं जीतता हूँ या हारते हूँ या ना दे, ये ना देखें, बल्कि इस बात का जो है आप इरादा कर उठें कि मुझे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, मुझे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है बहसीत मुसलमान। क्यों? कि मेरी कम्युनिटी हर एक को वोट देती है, हर पार्टी को वोट देती है, लिंगायत को वोट देती है, मराठी को वोट देती है, कोली को वोट देती है, धंगर को वोट देती है, तो क्यों हम लोग ये दावा क्यों ना करें कि आप लोग हमें भी वोट दें, हम भी इस देश के निवासी हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले हैं, हमें भी अधिकार बनता है कि पॉलिटिकली हम भी स्ट्रांग हो जाएं। लिहाजा आज की जो प्रेस मीट है उसका लब्बे लुबाब यही है कि आने वाला जो हमारे पास बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इसके अंदर मुसलमान इस बात का हम ठोक कर दावा करें कि ये जो पार्टियाँ हैं सियासी, ये पार्टियाँ मुसलमान को टिकट दे करके उतारें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि आप मुस्लिम को कहकर पॉलिटिकल पार्टी की टिकट नहीं देती है बसव कल्याण से, तो आप इस वक्त क्या करेंगे, क्या कुछ नई पॉलिसी है आपके पास? है, मेरा अपना प्लान है, वो माइनॉरिटी ग्रुप का हो सकता है या नहीं होता पता नहीं। मेरा प्लान ये है कि हम देखते हैं कांग्रेस का रवैया मुसलमानों के साथ कैसा है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद कर्नाटक में कितने टिकट देती है कांग्रेस,
जेडीएस कितने देती है, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं, नहीं देती, मुतालिबा करे तो फिर नहीं देती है। अब सुनने में ये आ रहा है कि जेडीएस और बीजेपी का कोलैबोरेशन होने जा रहा है, एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, एक दूसरे का इत्याद होने जा रहा है, ठीक है, तो अब मुसलमान क्या करें। तो मैं यहाँ से ये बात कहना चाहता हूँ कि बसव कल्याण से नहीं बल्कि जो पूरे कर्नाटक में मुसलमान अपनी पार्टी का एक जो है मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, ताकि आपके अपने जो है पॉलिटिकल मफादात जो हैं उससे वाबस्ता हो जाए और उससे एक जो है मुस्लिम एक पार्टी जो है वजूद में आ जाए। ऑलरेडी एक पार्टी जैसे कि मुस्लिम की जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी WPI जो है वो पार्टी एक मुसलमानों की कहा जाता है, तो उसके बारे में नहीं नहीं WPI है, MIM भी है कर्नाटक की जहाँ बात हो रही है, कर्नाटक की जहाँ बात हो रही है आपके कर्नाटक में एक मुस्लिम पार्टी उभर कर आए तो WPI ऑलरेडी इज ये पार्टी है तो वो भी जो है अपने कैंडिडेट नहीं उतार पा रही, जो कि लास्ट 2018 में भी ये कैंडिडेट नहीं उतारे, 2013 में उतारी थी, उसके बाद में कोई भी इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करती। ये तो पार्टी के सोचने का काम है जी, वो अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते, उनको मुस्लिम वर्चस्व चाहिए, ठीक है, तो आप जो है मुसलमानों के लिए बेदरीक काम करें, मन से काम करें और उसके लिए जो है बेधड़क और निडर होकर के काम करें, इधर उधर ना झांके कि अगर मैं मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करता हूं तो वो कौम क्या कहेगी, ये कौम क्या कहेगी, ये सोचना ये पार्टियां छोड़ दें, वो मुसलमानों के हित में काम करें और मुसलमानों के डोमिनेशन के लिए काम करें, मुसलमानों के पॉलिटिकल पावर हासिल करने की बात करें। जैसा कि आप अभी बताया कि अभी थोड़ी देर पहले आप बताया कि अगर से कांग्रेस बीजेपी जेडीएस अगर से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है तो हम जो है MIM या तो WPI का दरवाजा खटखटाएंगे, ठीक है, अगर से WPI भी जो है इस साल हमने सुना है कि इस साल जो है 2000 इस बाय इलेक्शन में WPI भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाह रही तो अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है वो है MIM। जहां तक ये सुनने में आया था कि MIM पहले तो उतारने वाली थी लेकिन उसके बाद में सुनने में आया कि वो भी जो है अपना कैंडिडेट इस बाय इलेक्शन में नहीं उतारना चाह रही, तो अब आप किसके पास जाएंगे? कोई अगर बंदा मजबूत मिलता है तो इंडिपेंडेंट उतार देंगे जी, क्योंकि पार्टी बनाना करना वो करना वो एक बहुत एक लंबा प्रोसीजर होता है, एक इस प्रोसेस से जो है आठवीं के लिए कोई अगर स्ट्रांग कैंडिडेट इनमें से जो मिलता है ख्वाहिशमंद है तो खैर हम लोग जो है आज़ाद जो है कैंडिडेट उतारने की कोशिश करेंगे, ठीक है।